कैमरा एक्शन। गुलाम बाग, ये किताब हमने सिडनी आके पढ़नी शुरू की। हम रोज़ाना रात में सोने से पहले इसको ज़रूर पढ़ते हैं। इसके अंदर उर्दू अदब का ख़जाना मौजूद है। अच्छी बात इस राइटर की ये है कि वो वक्तन फवक्त इंग्लिश के वर्ड ज़रूर यूज़ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनका शौक था इंग्लिश में लिखने का, लेकिन लिखना उर्दू में पड़ गया है। जैसे कि वो लिखते हैं कि हर शय के बेहद अजीब होने का एहसास दीवानगी का शिकार होने से पहले बाज़ लोगों को होता है, अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस। बाब नंबर 6, नंगा अफलातून। नाम बड़ा अच्छा है, नंगा अफलातून। ओरेकल ऑफ डेल्फिन भी क्या ऐसे ही बोलता होगा? आप इस तरह के जिंदा पीर की बजाय उसके मज़ार को मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा। मैनेज करना, क्या मैं चिट्टे साई को कब्र तक पहुंचाने में कुछ मदद कर सकता हूं? ये कैसे ख्याल मेरे जहन में बार बार आ रहे हैं? क्या मैं किसी ऑब्सेशन का शिकार हो चुका हूं? ऑब्सेशन, मुझे क्या हो रहा है? ये कैसी ऑब्सेशन है? राइटर की ऑब्सेशन। और हैश के एक सिगरेट के बाद, हैश को उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो इंग्लिश का वर्ड वो लिखते हैं वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। जैसे ये बड़ा मज़े का है, एक स्कॉलर तहकीक कर रहा है, बहुत सी किताबें देख रहा है, बुक मार्क कम पड़ जाते हैं, तो एक मोटी सी किताब में बुक मार्क रखने के बजाय आर्जी तौर पर वो अपना डिक टिका देता है। अब डिक को उर्दू में तो कुछ कहते ही होंगे। लाना था तुम पर, सारा स्पेल तोड़ दिया तुमने। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। साइंस पे भी इन्हें बहुत उबूर है, स्पेशली मेडिकल। बेयर फैक्ट्स यानी नंगे हकाइक, मतलब कि इंग्लिश भी और उसका मायने भी। वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? बेयर फैक्ट्स यानी नंगे हकाइक, नंगा अफलातून। तो फिर ये गोरा कहाँ इन्वॉल्व हो गया? इन्वॉल्व, ह्यूमन स्टफ अगर सलीके से इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा कारामा साबित हो सकता है। ह्यूमन 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 स्टफ। मेरी छठी हिस कह रही थी कि हमारे बेचारे लव सिक नौजवान। लव सिक नौजवान, ये कौन यूज़ करता है वो? मुगलिया बाग के बारे में मेरे कुछ हाइपोथेसिस हैं। और फिर वन नेवर नोज। हाँ, वन नेवर नोज, बल्कि वन रियली नेवर नोज। आपको ऐसा नहीं लग रहा मेरी चंद सेकंड की गुफ्तगू सुन के कि मैं कोई इंग्लिश नावल पढ़ रही हूँ? ये तरकीब मुझे भी सिखा दो, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन। अब मुझे तो नहीं पता भैया सेल्फ इंटॉक्सिकेशन क्या होती है। इस लिहाज से ये तरकीब पैराडॉक्सिकल है। इसके साथ एक छोटी इंग्लिश की डिक्शनरी भी मिलनी चाहिए। फिर ज़ालिमाना हद तक क्लॉस्ट्रोफोबिक कालखोट्रियाँ। अब भाई ये क्लॉस्ट्रोफोबिक कदीम यूनान के लेबरिंथ बनाने वाले, चलो काट के लिख देते हैं भूल भुलैया। सांप उन दोनों ने देखा ज़रूर था, इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं धर सकता था कि वो बसरी अल्तबास, क्योंकि अब बसरी अल्तबास आ गया था ना, मुश्किल उर्दू का वर्ड है, तो ये इंग्लिश का उर्दू नहीं लिखते, लेकिन इन्होंने इस उर्दू का लिख दिया इंग्लिश। हेलोसिनेशन, हेलोसिनेशन। लोगों को पता होना चाहिए कि इनको पता है कि बसरी अल्तबास वो हेलोसिनेशन को कहते हैं। हेलोसिनेशन, आई थिंक ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ स्टॉक टेरर। तो जैसे ही आप पेज खोलेंगे कोई ना, तो आपको इंग्लिश के अल्फाज यूं निकलते हुए नजर आएंगे। यूं, बगलों का ड्यूड्रेंट लाइन से ऐसे यूं करके बाहर आ रहा हो, लेकिन ड्यूड्रेंट वो इंग्लिश में लिखते हैं, फिर आफ्टर शेव स्प्रे परफ्यूम बाकी चीज़ें उर्दू में। उर्दू की बुक ऐसे पढ़ते हैं जबान लगा के, यूं ऐसे करते हैं, तो इंग्लिश के अल्फाज ना चिपक जाते हैं उंगली में, बाहर आ जाएंगे। फिर आ गया फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस। यार ये मुझे बहुत पसंद आ गया, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस बस मेरा फेवरेट हो गया। आज से मैं हर बात में कहूँगी फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस, मुझे फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस हो रही है, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस। दोबारा इंग्लिश। नवाब ने जैसे ही फैसला किया कि अब उसे उस ट्रबल मेकर को महफिल से निकालना चाहिए, मुझे लगता है ट्रबल मेकर की कोई उर्दू नहीं है, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस की भी मुझे लगता है कोई उर्दू नहीं है। अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेजिटेटिव ओरिजिन, ये नॉवेल लिखा गया है, यानी कोई नामालूम नबाताती मादा, 2006 में। ये किसकी बात हो रही है? एफ्रोडीसियाक के बारे में सही कहानी जो है ना, बाब 8 में शुरू होती है। एफ्रोडीसियाक यावर हाउस है, यावर अताई, जिनको किसी ज़माने में वो मिली थी किताब जिसमें एफ्रोडीसियाक बनाने का लाल तेल की तरकीब उनके हाथ लग गई, वो उसको बेचते हैं मुल्क के बड़े बड़े लोगों में, जिससे उनकी मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता है। एक कैरेक्टर उनकी बेटी भी है जिससे डॉक्टर नासिर को मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर नासिर को बहुत चुल है, उनके अंदर बहुत चुल है।
वो डॉक्टर हो के 2006 में एफ्रोडीसियाक के पीछे पड़े हुए, तो इस चक्कर में इमेजिन करें यावर अताई के घर पहुंच जाते हैं सूंघते सूंघते एफ्रोडीसियाक को। ये किताब 2006 में शाया हुई है, तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मगर पूरा नॉवल यार इतना मोटा, एफ्रोडीसियाक इट्स टू मच, एफ्रोडीसियाक ऐसा लग रहा है एफ्रोडीसियाक नहीं है, पता नहीं क्या है एफ्रोडीसियाक। गुलाम बाग, मैं अंधी हो गई हूँ ये पढ़ के। उर्दू पे भी उसको महारत हासिल है, इंग्लिश पे भी उसको महारत हासिल है, हाँ जर्मन में भी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज तो वो फर फर बोलता है, उसके सामने सब बेवकूफ़ लगते हैं बाकी सारे कैरेक्टर, हर आदमी उससे जो है वो मुतासिर हो जाता है। उस कैरेक्टर का नाम है कबीर, जहाँ खड़ा होता है चार लोग आके जमा हो जाते हैं उसकी गुफ्तगू में, ऐसा सहर है। गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं ये। नासिर ने मदद अली को गहरी नजर से देखते हुए मोहतात अंदाज में कहा, क्लासिक फीटल पोजीशन है जो शिज़ोफ्रेनिया के बाद मरीजों की एक्सट्रीम विड्रॉल में देखने में आती है। मगर मदद अली शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं, कबीर ने एहतजाजन कहा। अब वो बेचारा डॉक्टर इमेजिन करें इस पैराग्राफ में कह रहा है भाई फीटल पोजीशन है जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज को देखती हुई आती है, लेकिन कबीर क्योंकि कबीर तो कबीर है ना, वो साइकियाट्रिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, और वो राइटर है, और पता नहीं वो क्या है, तो वो कह रहा है कि मगर मदद अली शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। फिर कबीर अपनी तारीफ़ में कहते हैं कि मैं दरअसल एक मर्सिनरी राइटर हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ इट। फिर दोबारा कबीर नहीं बाज आएगा। बाप का नाम है इश्क पर एक नाकाबिल यकीन मुकालमा, उसमें दोबारा वो ये कह रहा है अपने आप को, आई एम अ मर्सिनरी राइटर, भूलना नहीं लोगों। शलवार कमीज, वास्कोट, कोटों की जेबों में से झांकने वाला सुर्ख रुमाल, क्योंकि नॉवेल इतना मोटा करना था तो एक तो माशाल्लाह रिपीटेशन पे रिपीटेशन, ऑक्सफोर्ड शूज, कहानी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, मुकेशन जैकेट, जिना कैप, बहुत मुतासर है इंडियन ड्रामों से कि आप अगर छठी किस के बाद देखें 86 किस तो उसमें भी वही हो रहा होगा जो छठी किस में हो रहा होगा, टर्की टोपी, तो अगर माशाल्लाह से आप शुरू के 6 बाब पढ़ लें ना तो आगे के आप समझें कि 10 तो निकल गए। स्कार्फ, बटन, कलाई की घड़ियाँ, सोने के स्टड, वही कैरेक्टर वही बात बार बार कर रहे होंगे, हीरे की अंगूठी, याकूत, जमरूद, नीलम, बगलों का ड्यूड्रेंट, डिस्क्रिप्शन है चीज़ों की। अब वो जो लोग पहन के आए हैं, पतलून, कोट, नेकटाई, शेरवानी, आफ्टर शेव, परफ्यूम, कड़वी और भारी फ्रांसीसी खुशबू, देसी अतरियात, बालों के तेल, लोशन, सिगरेट, सिगार, पाइप, सिगरेट लाइटर, बोतलें, जग, ग्लास, प्लेटें, मशरूबात, बर्फ़, निमको, कबाब, टिक्के, बैरे, ट्रे, कॉफ़ी, चाय, लीमू, चिप्स, 30 मर्द बैठे हुए हैं, खड़े हुए, झुके हुए, तने हुए, खानदान, ताजर, सनतकार, ब्यूरोक्रेट, अखबार नवीस, आलिम, प्रोफेसर, जज, रिटायर्ड फौजी, अदीब, शायर, जमींदार, जागीर, दास, मंगला, वकील, दो दो तीन तीन चार चार, उसके बाद इनके ग्रुप्स, शायर, रिटायर्ड फौजी, जागीरदार, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, जागीरदार, शायर, ताजर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, वर्ड को ना लिख के दोबारा लिखना, फिर लिखना, फिर लिखना, फिर लिखना, फिर लिखना, फिर लिखना, इंतज़ार करता है इंतज़ार, सब इंतज़ार करते हैं इंतज़ार, 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 गेटिंग इट, इंतज़ार, इंतज़ार। ये नॉवल ख़त्म होने के लिए आपको बहुत इंतज़ार, 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 इंतज़ार करना होगा। मैं आज़ाद रहूँगा जैसे नंगा अफलातून आज़ाद है, मगर क्या वो आज़ाद है? आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ादी, मौत, ज़िंदगी, फूल, एडिटर, ओजी, मेरी आज़ादी, मैं आज़ाद नहीं रहा, यावर अताई, मैं उस शख्स के लिए, वो जहरा का बाप था, मैं परेशान रहा, वो कैसा हर हैरत अंगेज शख्स था, मांगर जाती, मांगर जाती, मांगर जाती। फिर कुछ राइटर की कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा कि भाई ये आधा तो मेरा नावल हो गया, अब आधे नावल में क्या करूँ, तो उसने क्या किया, उसने एक रजिस्टर बनाया कबीर का, और कबीर के बारे में ये बताया कि जनाब कबीर जो है ना वो उस रजिस्टर में अपनी हर बात लिखते हैं, कई बाब उस पर चले गए हैं। कबीर एक दिन ना खोलते हैं वो नीला रजिस्टर, पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि वो सारी चीज़ें वही हैं जो यहाँ, क्लोज़अप क्लोज़अप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं कुछ नहीं कुछ, मैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ लिखते रहना चाहिए, 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 चचा गच गच, गच गच, तस तस, चच चरप चरप, ग
गरज गरज च मचप मचप चलप शरप चप शरप पप चप चप चुप गीगला गीगड़ गीगड़ गीगला गीगली गीगला गीगला गीगड़ गीगड़ ग ग गा घगल घोला गाल गीगला गुल मुझे साइकेट्री